நேர்கொண்ட பார்வை நேரான வாழ்க்கை நெஞ்சை நிமிர்த்து வெட்டி உடுத்து நின் மைந்தர்களுக்கு மணிராஜ் காட்டன் வேட்டிகள் ஷர்ட்டுகள் விளையாட்டுத் துறைக்கு ஊக்கமளிக்க பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதாகவும் பழங்குடியின மக்களினுடைய நலனுக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் பேசி வருகிறார். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व तो है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। माननीय अटल जी, माननीय सदस्यगण, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं है। अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं। मेरी सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपरा बनाएगा। वर्ष 2047 को देखने के लिए अपने साथी तो अब इस सदन में नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसे होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद रखे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको पढ़ना है। பல வருடங்களாக மக்கள் எதிர்பார்த்த திட்டங்களை எல்லாம் கடந்த 10 வருடங்களில் நிறைவேற்றியிருப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றியிருக்கிறார். முக்கியமாக ஏழை நாடுகளின் குரலாக இந்தியா ஒலிக்கிறது என்றும் கூறியிருக்கிறார். இந்தியாவை பொறுத்தவரை 4 சக்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக அவர் கூறியிருந்தார். இளைஞர்கள், ஏழைகள், விவசாயிகள், பெண்கள் ஆகியோர் அந்த 4 சக்திகள் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார். நேர்கொண்ட பார்வை நேரான வாழ்க்கை நெஞ்சை நிமிர்த்து வெட்டி உடுத்து நின் மைந்தர்களுக்கு மணிராஜ் காட்டன் வேட்டிகள் ஷர்ட்டுகள்.